हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल गाइस स्वागत आप सभी का आज वाली क्लास में आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन वाला पार्ट एग्जैक्टली exactly सही सुना बिजनेस कम्युनिकेशन नॉर्मली लोग या जो नॉर्मली लोग जो जानते हैं वो कम्युनिकेशन का मीनिंग ये जानते हैं कि भैया कम्युनिकेशन का मतलब है किसी पर्सन को अपना कोई इंफॉर्मेशन कोई बात शेयर करना और उसके बाद में उस पर्सन तक बात पहुंच जाए उसके बाद वो पर्सन फीडबैक दे उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं लेकिन लेकिन जिसे लोग नॉर्मली कम्युनिकेशन बोलते हैं गाइस वो कम्युनिकेशन नहीं वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है मतलब दोनों में डिफरेंस है हाँ, बेटा डिफरेंस है और इन्हीं सब चीजों को हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर के के क्लास अंदर जहां पे हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में कि क्या प्रोसेस है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन कौन से बैरियर्स आते हैं वो सारी चीजें हम लोग आज वाले पढ़ने वाले हैं ये बुक ये पार्ट हमारे पास में है बिजनेस कम्युनिकेशन नॉट ओनली पार्ट ऑफ बुक गाइज से बुक का पार्ट मत मानना रियल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग अपने पास में अपनी प्रोफेशनल वर्क पे जाएंगे वहाँ पर हमें इन्हीं एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि रीजन इज जिसे आप बुक समझ रहे हो इसके हर एक कंटेंट को जब बनाया गया था तो बेटा इसके पीछे एक्सपेरिमेंटल बेस होता है जिस तरह साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं सेम उसी तरीके से जब आप बात करते हो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग बिजनेस के रिगार्डिंग तो वहाँ भी रिसर्चेज होती हैं प्रैक्टिकल एनवायरमेंट के अंदर कॉर्पोरेट एनवायरमेंट के अंदर रिसर्च होने के बाद ही कोई पॉलिटिकल कंक्लूजन निकलता है इसलिए ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी बन जाता है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी तो स्टार्ट करते हैं गाइज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन और आज वाला कंटेंट जो मैं करने वाला हूं इसके ऊपर कुछ वीडियो क्लिपिंग भी बता दिखाने वाला हूं ताकि और अच्छी क्लैरिटी मिल पाए इवन इसके सभी चैप्टर्स के ऊपर कुछ वीडियो क्लिप भी हम अपने पास फॉलो करेंगे बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई स्टार्ट करते हैं पहला वर्ड हमारे पास में यहीं से सुनना चालू करेंगे भाई साहब इस चैप्टर को सुनना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू लिखना मतलब सर लिखे ना लिखना तो है बट लिखने से पहले रिक्वायरमेंट है समझने की बेटा तो वर्ड समझते हैं तो एक्चुअली जब हम टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन वर्ड तो वर्ड इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन मीनिंग इज बाई कम्युनिकेशन जिस वर्ड से डिराइव होके आया है मतलब जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो एक वर्ड से निकला बेटा उस वर्ड का नाम है कम्युनिकेय क्या बात करो हाँ हा बेटा कम्युनिकेयर टू शेयर समथिंग एग्जांपल याद रखना आज के बाद जब भी आप सुनोगे कि भैया कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की शुरुआत ही होती है शेयरिंग से एक बात बताओ कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन एग्जाम्पल आपकी बात कर लेता हूं आप किसी आपके पास कोई आइडिया है आपका कोई थॉट है रिमेंबर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है अगर जब तक आप वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन को शेयर ही नहीं करोगे शेयर ही नहीं करोगे क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू हो सकता है नहीं हो सकता मतलब कहने का मतलब जब तक शेयर नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिन नहीं होता इसीलिए याद रखना कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है शेयर 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 करना टू समथिंग समथिंग अनलेस यू कम्युनिकेशन प्रोसेस विल नॉट स्टार्ट स्टार्ट वो start नहीं होगा पहली बात दूसरी बात अब इसके ऊपर एक टॉपिक आता है कि भैया प्रैक्टिकली सर क्या कम्युनिकेशन जो आज हम कर रहे हैं वैसा ही था तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो क्लिपिंग दिखाऊंगा दैट विल डिफाइन यू

Regular, ऐसे अगर हम बात करें इवोल्यूशन के साथ साथ कम्युनिकेशन प्रोसेस भी होता चला गया है तो आइए इसी पार्ट को और अच्छे से समझाने के लिए पहले मैं क्लिपिंग दिखाऊंगा उसके बाद आपका सिलेबस का कंटेंट है उसे उससे कनेक्ट करता हूं चलिए गाइज तो लीजिए एक वीडियो आपके सामने इस वीडियो को सिर्फ देखिएगा ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए लीजिए बेटा आपके सामने हाजिर है वीडियो बस स्मोक वाला पार्ट था, फिर कबूतर जा, जा, जा सर आप चुप हो जाओ, ओके ठीक है तो बेटा ये था आपके पास कम्युनिकेशन की हिस्ट्री वाला पार्ट आई थिंक आप एक आइडिया मिला हुआ यहां से कि यार कम्युनिकेशन का जो तो बेसिस स्टार्ट हुआ वो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ उसका इवोल्यूशन के बाद न्यू न्यू चैनल्स एड ऑन होते चले गए और आज हम उसी का हिस्सा हैं। तो इसी से स्टार्ट होता हमारे पास कम्युनिकेशन, भी, भी तो कम्युनिकेशन लेकिन अब जब इसकी प्रैक्टिकल लैंग्वेज की बात करते है, बात है कि कम्युनिकेशन प्रैक्टिकली क्या है तो बात कर लेते हैं सर इन शॉर्ट कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस सुनना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू लिखना इस पार्ट को पता अब सुनो ट इज कम्युनिकेशन अगर क्वेश्चन पूछा गया तो वर्ड पहला तो क्या भाई कौन से वर्ड से है वर्ड का मतलब क्या है कम्युनिकेशन मैंने शेयर करना ठीक है दूसरी वर्ड भाई कौन सा प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन आइडियाज थॉट फीलिंग इमोशंस अब होता है ना आज मैं बड़ा परेशान हूं मैं अपनी बातें तुमको बता रहा हूं ये क्या है ये मेरे इमोशंस है मेरे पास में एक इंफॉर्मेशन है मैं तुम्हें दे ये क्या है ये भी इंफॉर्मेशन है तो जो आपके पास में

अभी भी तो मैं आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं कि क्या होता है कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूं लो क्या होता है बताता हूं ना तो क्या होता है मैं अपनी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रहा हूं तो ये मेरा प्रोसेस लिसन टू में समझना तो आई एम जस्ट शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन विद यू रिमेंबर आपके शेयर कर रहा हूं बट जिन मोड्स के थ्रू यूज कर रहा हूं उन्हें चैनल का नाम दिया जाता है तो जिन चीजों को हम यूज कर माइक यूज कर रहा हूं कैमरा यूज कर रहा हूं बोर्ड यूज कर रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड ये क्या है ये प्रो ये क्या है क्या चैनल किस तरीके से किया गया इट इज नॉट कम्युनिकेशन कहलाता है क्लियर रखना पहली बात टू शेयर क्या एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना अपने आइडिया करना इसको क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन बोलो क्लैरिटी मिली क्या यहां तक बात याद रहेगी एक्चुअली कम्युनिकेशन होता क्या मेरे भाई

कि यार मैं बोलूं या ना बोलूं या मैं कौन से वर्ड्स को प्लीज सुनना क्योंकि जितनी बातें बोलूंगा वो सारा हमारे कंटेंट का पार्ट है सुना ध्यान से बात को तो मैं जो इंफॉर्मेशन देने वाली हूं मैं जो बोलने वाली हूं उसके लिए मैं कौन सा मेथड यूज करूं मैं कौन से वर्ड यूज करूं क्या मैं सारे वर्ड यूज करूं या आंखों आंखों में बता दू रिमेंबर दो वर्ड आएंगी स्पीच मतलब बोलना मतलब वर्बल पार्ट नॉन वर्बल मतलब बिना बोले भी

कि मैं जिस पर्सन को इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूं क्या मैं कौन से शब्दों को यूज करूं मैं कौन से वर्ड्स को यूज करूं मैं कितना पार्ट वर्बल रखूंगा कितना पार्ट नॉन वर्बल रखूंगा क्योंकि एक बात बोलूंगा मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव देन वर्बल कम्युनिकेशन ये मैं नहीं बोल रहा हूं ये आपके मैनेजमेंट थिंकर वो जो रिसर्च हुई वो कहती है और मैं प्रूव भी करूं क्लास के अंदर कैसे हाँ दिखाऊंगा तो वर्ड नंबर टू क्या आता है Sanda, दूसरा वर्ड कौन है एनकोडिंग मतलब होता है आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए किन चीजों का यूज करने वाले हैं वर्ड्स कितने होंगे स्पीच कैसे होंगे वर्ड्स कौन से होंगे रिटर्न पार्ट फॉलो करोगे ओरल पार्ट फॉलो करोगे वो सारा पार्ट वो डिजाइन करना कहलाता है बेटा एनकोडिंग रिमेंबर दूसरी बात तीसरी बात अब बात आती है हमारे पास जब आप इनकोडिंग कर लेते हो तो क्या बनकर तैयार हो गया अब बनकर तैयार हो गया आपका मैसेज नंबर थ्री इज कॉल मैसेज तो फर्स्ट इज सेंडर इज इज इनकोडिंग थर्ड मैसेज मैसेज अब मैसेस जब आपके पास आप डिलीवर कर दे तो किसको दिया आपने रिसीवर को अब मुझे बताओ इंफॉर्मेशन पहुंची किसके पास रिसीवर के पास तो जो मैथड जो आपने वर्ड्स जो आपने पर्टिकुलर कोई सिंबल्स यूज किए कोई इशारे यूज किए गैश्चर्स यूज किए होता है ना एक्साम्पल के लिए तुम बहुत अच्छे लग रहे हो एक तो ये बोल रहा हूं मैं रिमैम्बर सुनना ध्यान से आई एम सेइंग आप बहुत अच्छे लग रहे हो कहां से स्पीच का पार्ट अगर मैं ऐसे बोलूं आप ना इसका मतलब क्या समझा आपने तो ये मतलब बहुत अच्छे ना? बोला नहीं से मैंने रिमेंबर बेटा दैट इज ऑल द वेरी बेस्ट कहने का मतलब क्या समझो ध्यान से रिमेंबर तो प्रैक्टिकली एक बात समझना जनरली जब हम कम्युनिकेशन का पार्ट स्टार्ट करते हैं मैंने दोबारा बोला है मैं यहाँ पर इस कंटेंट को बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर ये चीज सिखाऊंगा ताकि आपकी इनबिल्ट लाइफ में काम आए आपको ये चीजें तो पहले बार क्या है जैसे ही आपको इनकोड किया मैसेज बना और मैसेज पहुंचा किसके पास रिसीवर के पास तो जवाब दो क्या सामने वाला व्यक्ति आपके उस मैसेज को डिकोड नहीं करेगा एनकोडिंग का मतलब ड्राफ्ट करना और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपने मैथड्स यूज किए जो लैंग्वेज यूज जो यूज की जो वर्ड्स किए जो नॉन वर्बल पैटर्न यूज किए जो पिक्चर्स यूज की मैं सारी बातें बोल रहा हूं पिक्चर्स वर्बल नॉन वर्बल वो वाली बातें तो उसे बाद में करना उसे डिकोड करना मतलब उसे अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे समझना उसे समझना भी जरूरी है ना अब एक बात बताओ अगर मैं कोई पर्सन तुमसे चाइनीज में बोले अब कोई पर्सन बोले चाइनीज में आई लव यू बोलना चाहे अब बताओ तुम्हें आती नहीं चाइनीज क्या करोगे बताओ तुम्हें आती नहीं है तो डिकोड नहीं डिकोड करना रिक्वायर्ड है नहीं है है तो याद रखना जनरली एज पर द प्रोसेस ये कहा जाता है कि जब भी किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करते हो और आपके पास एनकोडिंग का ऑप्शन होता है हमेशा तो उस एनकोडिंग वाले पार्ट में ऐसे वर्ड्स को ऐसे सिंबल्स को यूज करो जो कि सामने वाला पर्सन डिकोड कर सके सामने पर्सन डिकोड कर सके क्योंकि डिकोड ही नहीं कर पाया वो उन्हें समझ ही नहीं पाया तो बेटा उस तक वो मैसेज प्रॉपर पहुंचेगा ही नहीं उस, प, उस तक वो मैसेज कभी प्रॉपर पहुंचेगा ही नहीं लेट सपोज मैं किसी इलिटरेट पर्सन के पास में जाता हूं एक पर्सन पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी और उससे जाकर इंग्लिश में बातें करना स्टार्ट कर दू टेलमी क्या इसे कम्युनिकेशन कहेंगे एक बहुत बड़ा फैक्टर बोल रहा हूं सुनना अक्सर दुनिया में इंडिया की बात कर रहा हूं मैक्सिमम लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन ओनली मींस द इंग्लिश लैंग्वेज आंसर इज नो गाइस Always remember this. कहीं भी communication में वर्ड नहीं लिखा हुआ मीन इंग्लिश ऑलवेज रिमेंबर इंग्लिश इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग योर इन्फॉर्मेशन ये मोड है जैसे हिंदी है बाकी लैंग्वेज है मोड है तो प्रैक्टिकली क्या बोलता है कम्युनिकेशन कहता है भैया अपनी बात को सामने वाले पर्सन को समझाना कि उसे समझ में आए आपका वही मैं आप वही पार्ट जो आप उस तक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे थे दैट इज कॉल कम्युनिकेशन तो यार है फर्स्ट सेंडर एनकोडिंग मैसेज फिर क्या आया डिकोडिंग और फाइनल में कौन आया रिसीवर इतना काफ़ी है क्या इतना काफ़ी है क्या बोले नहीं सर और सुनो अब जो ये प्रोसेस है सुनना अब जो ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो छुई बोलना चाह रही है रंगा को रिमेंबर तो इस दौरान में जिन जिन चीजों की प्रॉब्लम आएगी एग्जाम्पल मान लो मैं फोन के थ्रू बात कर रहा था ये फोन के के थ्रू बात कर रही थी हो सकता है है कहीं खड़ी है के लिए और सामने कोई दीवार है वॉल है वो बंदा उस दूसरे कमरे में मैं इस कमरे में हूं तो अक्सर जो चीजें फिजिकल मोड के अंदर या फिर आपके पास जो फिजिकल नहीं हो ट्रांसपेरेंट मोड के अंदर आपकी कम्युनिकेशन में बाधा बनती है बैरियर बनती है रुकावट बनती है उसे कम्युनिकेशन में नाम दिया जाता है बेटा नॉइस याद रखना उसे क्या बोलते हैं नॉइस कहने का मतलब क्या है अक्सर लोग नॉइस का मतलब समझते हैं साउंड रिपीट कर रहा हूं सुनना क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है मेरे भाई अगर बुक में जैसा लिखा वैसा ही पढ़ लिया तो कोई मजा नहीं आया पढ़ने का ध्यान रखना सीखना बहुत जरूरी है तो प्रैक्टिकली जब हम कभी कम्युनिकेशन करते हैं तो लेट्स सपोज जो भी चीजें मुझे रुकावट करेंगे एग्जांपल के लिए सुनो मैं तुम्हें कोई बात कर रहा हूं अक्सर तुमने एक बात सुनी होगी कि लोग आपस में बात करते हैं तो बोलते हैं अरे मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा हटना भैया दिखाना तुम देखना पसंद करते हो एंड पीपल यूज टू टॉक अबाउट यार की जरूरी कि जब मुंह से बात बोलनी है वो कान से सुनेगा तो आंखें क्यों देखनी है चेहरा क्यों देखना होता है ना नॉर्मली होता है ना अब एग्जाम्पल मान लो अभी मैं तुमसे कम कुछ बात इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ और मैंने अगर अपना चेहरा ऐसे कर लिया और मैं बोले जा रहा हूँ ना भाई बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ तो कैन यू प्लीज टेल मी क्या हमारे बीच में वो कम्युनिकेशन प्रोसेस बिल्टअअप हो पाएगा Check करो नहीं सर तो इसका मतलब ये हाथ जो बीच में आए, ये हाथ हाथ जो जो बीच बीच में में आए आए या मेरी हो गई या कोई साउंड यहां से स्टार्ट हो गया तो दैट विल बी टर्म एज जो हमारे कम्युनिकेशन पार्ट में एक एक तरीके से अवरोध इज कॉल हर्डल बैरियर क्रिएट करेगा दैट इज टर्मड एज नॉइस उसे नॉइस कहा जाता है तो नॉइस मे बी ए साउंड याद तो को आवाज मानते हैं, लेकिन साउंड के अलावा भी वो चीजें जो आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा होने में रोकती है तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है उस दौरान जो भी प्रॉब्लम आती है उसे नॉइस नाम दिया गया तो आज के बाद कोई बोले नॉइस मतलब साउंड होता है बोला नहीं भैया नॉइस मतलब होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में आने वाली प्रॉब्लम अभी दिखाऊंगा तुम बताना नॉइस क्या है उसके अंदर ठीक है ओके okay. आगे अब बताओ पाठ खत्म हो गया कि मैंने इंफॉर्मेशन दे दी मैंने इंफॉर्मेशन दे दी अगर अब इन्फॉर्मेशन गई बात खत्म सोचो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया मैंने तुम्हें पढ़ा दिया पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी पूरा पाठ लिखवा दिया सब करा दिया क्या बात खत्म क्या यहीं पर हमारा काम खत्म हो जाता है टीचर का सोचो ये भी तो कम्युनिकेशन ही है नहीं सर यहाँ खत्म थोड़ी हुआ जब तक मुझे सेंडर का फीडबैक नहीं मिलेगा जब तक मुझे सेंडर का फीडबैक नहीं मिलेगा, मुझे कैसा पता कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी वो उसे समझ में आई भी या नहीं आई इसलिए याद करो जब भी हम आप लोगों को बोलते बोलते हैं बेटा बताओ कोई डाउट तो नहीं है क्या कुछ समझ में तो नहीं आ रहा ऐसा कुछ पार्ट तो नहीं है क्यों कहते हैं वो चीजें द रीजन इज सेंडर को फीडबैक मिलना जरूरी होता है बिना फीडबैक के ये कभी मिल ही नहीं सकती कि रिसीवर के पास जो गई वो सही पहुंची या नहीं पहुंची। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस तो ये पूरे फैक्टर बन जाते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन पार्ट हमारे पास क्या है होल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो हमने इमेज के तो समझा लेकिन अभी इसी पार्ट को मैं आपको

Tell me, तुम मुझे इस पूरे पार्ट में ये बताओ बताना मुझे कि यहां पर नॉइस का पार्ट क्या था सोचो गैस करो जब भी देख रहे हो बट वट इज नॉइस हमने लाइन पढ़ी थी जब प्लेन ऊपर से जा रहा था तो बंदा बात बोल रहा था वो आई लव यू बोलना चाह रहा था लेकिन उसकी बात प्रॉपर सुनाई नहीं थी दैट इज कॉल्ड नॉइस तो नॉइस में बी साउंड फिजिकल पार्ट। याद रहेगी है। तो तो ये सारा का बेटा? आप जब communication करते हो तो उसके अंदर आने वाली problems, आने वाली वाला problem या आपके पास जो भी दिक्कत उसे कहा जाता है फीडबैक का होना जरूरी है इसे याद रखना सर हम इसको अप्लाई करें हाँ, अप्लाई कर सकते हो इवन डेली लाइफ के अंदर और इवन अपनी में हमें काम आने वाला है आप जब भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करें दैट मीनस यू आर गोइंग टू शेयर सम इन्फॉर्मेशन एनी वन तो ऑलवेज चेक दिस क्या तुमने मैसेज इनकोड किया क्या मैसेज प्रॉपर बना क्या मैसेज को डिकोड कर पाएगा क्या वो फीडबैक लू है ना लू तो फीडबैक इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट सो यू कैन गेट द आइडिया ऑफ दैट कि क्या इन्फॉर्मेशन प्रॉपर पहुंची या नहीं पहुंची पहली बात बोलो याद रहेगा तो हमने पढ़ लिया बेटा वट इज कम्युनिकेशन क्या कहलाता है नंबर टू कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन का हिस्सा बनते हैं मिल गया होगा। अब इसी पार्ट को जो बुक में लिखा है वो दिखाता हूं अब आपको समझ में अच्छे से आएगा देखना। मारना है। तो नहीं मारेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात अब आया एलिमेंट्स में पहला वर्ड क्या है अब तो ये तो हमें पता है, सर। है सेंडर सेंडर या इसी का नाम क्या बोलते हैं सोर्स एग्जाम में बोल सकते सेंडर का दूसरा नाम क्या है आंसर इज सोर्स बोलते हैं जहां से इंफॉर्मेशन मूव होना शुरू हुई

क्या बोलो कम्युनिकेशन हुआ इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है नहीं सर तो रिक्वायरमेंट नंबर वन क्या है सेंडर के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन होना काफी नहीं सेंडर वो व्यक्ति जिसके पास कोई आइडिया कोई थॉट कोई इंफॉर्मेशन थी और जिसे वो शेयर करना चाहता है अगर ये दोनों चीजें आई तभी किसी व्यक्ति को सेंडर कहा जाता है Sander कहा जाता है पहली बात बोलो क्लियर हुआ नंबर टू पे आता हूं आप बहुत अच्छे लग रहे हो समझना क्या बोल रहा हूं आप बहुत अच्छे लग रहे हो अब अब मैं इसको चेंज करता हूं और इसका आइडिया निकालना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं देखना कैस करना तुम किस बात को सबसे पहले कैप्चर करोगे लेट्स ट्राई ठीक है समझना आप बहुत गंदे लग रहे हो इतने गंदे कैसे लग सकते हो बहुत गंदे लग रहे हो नाउ प्लीज टेल मी एग्जाम्पल तुम अपने एग्जाम तुम्हें अपने एग्जाम में प्रॉपर सक्सेसफुल बनने वाले हो लेट मी टेल यू गैस करो तुमने कौन से मोड को ऑप्ट किया तुम्हें क्या लगा जब मैंने गंदा बोला किसी व्यक्ति को तो मैंने सिंबल ये यूज किया जब मैंने कहा सक्सेसफुल होगा और सिंबल वर्ड यूज कर रहा हूं आपके पास थम्स डाउन का नाउ प्लीज टेल मी कौन सा इफेक्टिव इफेक्टिव था कौन सा सर नॉन वर्बल आप जो इशारे कर रहे हो इशारे तो हमें ज्यादा अटक कर रहे हैं है ना ये रियलिटी में प्रूवड है बेटा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है दैट इज मोर इफेक्टिव देन वर्बल कम्युनिकेशन एंड ऑलवेज इस बात को हमेशा याद रखना चले आगे बढ़े तो वर्ड आया बेटा तो सेंडर जो वर्ड्स यूज है, करता है चूज करता है टू ट्रांसलेट ए न्यू मैसेज अपने को एक में करने के लिए इसी को कहा जाता है बेटा एनकोडिंग बोलो याद रहेगा इसी एक्टिविटी को नाम दिया गया बेटा एनकोडिंग वर्ड याद रहेगा हुआ एनकोडिंग थर्ड क्या था बताना अब क्या बनकर तैयार हो गया अब बन तैयार हो गया मैसेज आपने अपनी इंफॉर्मेशन को अपनी आइडियाज को अपने थॉट्स को कुछ वर्ड्स के थ्रू कुछ नॉन वर्बल पैटर्न के थ्रू बना दिया फ्रेम कर दिया एंड नाउ यू आर हैविंग अ मैसेज आओ बात करते हैं तो मैसेज का मतलब क्या हमें पता है सर पता है डेफिनेशन तो क्या लिखोगे मीनिंग क्या बताओगे कौन से वर्ड यूज करोगे वो जाना रिक्वायरमेंट है बेटा तो वर्ड बोला मैसेज इज मैकेनिज्म मैकेनिज्म आल्सो कॉल्ड मैथड या टूल बोलते हैं इसको ए मैकेनिज्म बाय विच द आइडिया और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर रिसीवर तक जो प्रॉपर आपका आइडिया था वो प्रॉपर वैसा पहुंचा या नहीं पहुंचा तो उसके लिए जो आपने फ्रेमिंग कंटेंट रेडी किया द कंटेंट द होल कंटेंट या होल मैकेनिज्म इज टर्म्ड एज मैसेज उसे मैसेज कहा जाता है बोलो क्लियर रहेगा तो जितनी भी आप लोग किसी को बोलते हो ऑलवेज बोलते ना बोलने से पहले सोचो मतलब क्या होता है ना बेटा बोलने से पहले सोचा करो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब बेटा यही होता है कि जब आप कोई बात बोलते हो उससे पहले एनकोडिंग प्रोसेस रेडी किया जाता है तभी बना हुआ मैसेज अगले पर्सन तक डिलीवर किया जाता है और खास कर याद रखना व्हेन इट कम्स टू लाइफ कंपनी के अंदर आने वाले हो काम करने वाले हो क्लाइंट डीलिंग करने वाले हो तो वहाँ जब आप बातें करोगे काम करोगे तो वहाँ पर बहुत जरूरी होता है कि मैं अपने सामने वाले पर्सन के साथ में कौन से वर्ड्स को यूज करूँ मैं कौन से नॉन वर्बल पैटर्न को यूज करूँ अब एग्जाम्पल देखो मैं अभी बात पढ़ा रहा हूँ ना तो मेरे हैंड मूवमेंट कर रहे हैं मेरी बॉडी मूवमेंट कर रही है ये नॉन वर्बल का पार्ट है बट अगर मैं ऐसे पढ़ाऊँ तो हाँ जी हाँ आप बताओ हाँ बेटा कम्युनिकेशन ये होता है तो एक्चुअली क्या होगा दैट कम्युनिकेशन प्रोसेस वो आपका कम हो जाएगा समझ में आया क्या बोल रहा हूँ समझ में आया आओ आगे बढ़ते हैं इसलिए बोलता मैसेज का मतलब क्या है वो मैं कह रही हूँ जिससे अपना आइडिया या आप इंफॉर्मेशन किसी के तक शेयर करते हो नंबर थ्री इज कॉल मैसेज पढ़ चुके नेक्स्ट इज कॉल चैनल या मीडियम मतलब अब जिस के देखो दिखाया था ना भाई जिस मोड के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे

चैनल का मतलब जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना दीज मतलब वर्ड जिनके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है जैसे एग्जाम्पल भाई क्या होता Mechanism है मैकेनिज्म है प्रोसेस क्या है नंबर टू वॉट इज चैनल चैनल का मतलब क्या होता है सर पाथ पाथ या रूट रूट जिस route के जिस के थ्रू थ्रू से आप कर रहे हो मैसेज इज कम्युनिकेटेड बाय द सेंडर टू रिसीवर जिस पाथ से जिस रूट से आप इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हो एग्जांपल के लिए मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं ऑनलाइन मोड के थ्रू

जिसको सोच रहे हो वो भी व्यक्ति क्या कहलाएगा रिसीवर कहलाएगा और क्या कहता है खाली वो ही नहीं कि भेज दिया रिसीवर है ना क्या उस पर्सन ने आपकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद कुछ नोटिस किया या फिर वो उसमें कुछ और मीनिंग अटैच करेगा होता है ना एग्जाम्पल अगर मैंने किसी पर्सन कुछ बोला एग्जाम्पल बेटा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन चेक करते हैं ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन क्रैक करोगे झंडे गाड़ के आना ये क्या था सेंडर इंकॉर्डिंग रिमेम्बर कौन से वर्ड यूज करूंगा मैसेज बना आप तक पहुंचा पहुंच गया मोड था जिसके थ्रू मैंने बोला वॉइस के थ्रू बोला मैंने स्पीच का ही वर्ड यूज किया अब आप तक इंफॉर्मेशन पहुंची अब आपने सुन ली मेरी बात बोले ठीक है वैसे आपने बोला थैंक यू सर Thank you, thank you, बोलते क्या? क्या क्या किया? किया। किया? आपने आपने मेरी information में कुछ जो जो मैंने बोला, आपने उसमें thank you कर दिया। That means, जो person notice करता है और साथ में कुछ वर्ड्स को अटैच करता है ताकि उसको और ज्यादा मीनिंगफुल बनाया जा सके दैट इज टर्म उसे कहा जाता है मेरे लाल क्या बोलते हैं दैट इज टर्म डेज रिसीवर उस पर्सन को रिसीवर कहा जाता है याद रहेगा और सबके बीच में क्या था याद रखना कौन सा था का मतलब मतलब क्या क्या सीखा आप लोगों ने लिख लिख लो हैं प्रॉब्लम को रुकावट को बोलते हैं हर्डल बोल सकता हूं आई कैन यूज वर्ड बैरियर बोल सकता हूं रुकावट हर्डल बैरियर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज कॉल्ड नॉइस याद रहेगा नेक्स्ट आया बेटा अब रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन पहुंची थी ना बस पहुंचते क्या बोले। ओ, बस और कुछ नहीं करना ऐसा नहीं अब वो इस को जो मैंने किया था, जिन मोड को मैंने यूज किया, किया जिन नॉन वर्बल पार्ट को मैंने यूज किया वो उन सारी चीजों को समझेगा डिकोड करेगा तो इनकोडिंग डिकोड करे डिकोड प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बताओ ना क्या लिखवाया था मैंने लिखवाया था लिखवाया था द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस मैसेज को समझना द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इन टू इन इट्स इंटेंडेड सेंस सर इसका मतलब क्या हुआ समझ के पढ़ो बेटे अगर समझ में आ गया तो गारंटी है क्वेश्चन गलत होने का चांस जीरो परसेंट क्या बात करो एक परसेंट भी नहीं नहीं एक परसेंट भी चांस आओ तो क्या बोला मैं लाल बोला भाई डिकोडिंग का मतलब होता है किसी मैसेज को समझना और समझने के बाद उसको उसी की इंटेंडेड सेंस में समझना मतलब क्या हुआ ऊपर वाला इंटेंडमेंट सोचना जिस सोच से जिस परपज से सेंडर ने रिसीवर को इंफॉर्मेशन दिया उसने कौन से मेथड यूज किया उसने कौन से वर्ड यूज किया उसने कौन सा पैटर्न यूज किया उन सबको समझना और उसके बाद में रिएक्ट करना रिएक्ट तो फीडबैक कहलाएगा

द लास्ट वर्ड इज फीडबैक अभी अभी तो बात की भाई मुझे कैसे पता अच्छा तुम एग्जाम्पल तुम्हारी बात करते हैं अक्सर हम लोग हर दिन लोगों से इंटरेक्शन करते रहते हैं आपने एक चीज नोटिस की होगी कि काफी बार जब मैसेज वगैरह डालते हो किसी को व्हाट्सअप करते हो समाइम इट मे हैपन कि जो इंफॉर्मेशन आप किसी को देना चाह रहे थे जो इमोशंस आपके थे तो वो चीज सीखनी है बेटा रट्टा नहीं मारना चीजों को पढ़ा नहीं रहा हूं समझना ये ध्यान रखना सर अक्सर ये चीज देखी जाती है कि जब हम किसी पर्सन को अपने इमोशन शेयर कर रहे होते हैं तो आप याद करो आजकल तो व्हाट्सअप में इमोशंस आते हैं ना इमोजीज आते हैं रोने का का स्माइली स्माइली हंसने लगा देते हो वो इसलिए कि इमोशंस को डिस्क्राइब करने वाले सिंबल्स इज कॉल इमोशन नंबर वन ठीक है बट मेरे बात बताओ अगर एक नॉर्मल मुझे किसी को मैसेज ड्रॉप करना है तो जरूरी है क्या कि जिस इंटेंशन से मैं अपनी इमोशन को सामने वाले पर्सन के पास शेयर कर रहा हूं क्या वो उसी तरीके समझे बोला नहीं सर इसीलिए आपको आगे बताऊं इस क्लास में आगे बताऊंगा जहां पे पढ़ेंगे कि कौन सी कम्युनिकेशन में कौन सी चीज के अंदर कौन सा वाला मोड प्रेफरेबल होगा और ये बातें मैं आप लोगों से पूछूंगा और गैस कर रहा है कौन सा आंसर दोगे आप लोगों मुझे क्या अगर मान लो मुझे किसी पर्सन को इंटरव्यू देना है किसी पर्सन को नई इन्फॉर्मेशन देनी है कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देनी है तो क्या सबके लिए कॉमन मोड यूज करूं नहीं सर कहीं पर आप वर्बल का यूज कर स्पीच वाला बाय वर्ड्स यूज करना मैंडेटरी होता है कहीं पर लिख कर काम चल जाएगा रिमेंबर तो हर एक पार्ट के अंदर मोड्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब मेरे लाल यही है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस वो भी कौन सा फॉर्मल वाला क्योंकि okay, बिजनेस में जो लैंग्वेज चलती है दैट इज फॉर्मल लैंग्वेज और फॉर्मल का मतलब होता है सिस्टमेटिक पैटर्न जो चीज सिस्टमेटिक में होती है दैट इज कॉल फॉर्मल पैटर्न तो वर्ड यहां पर आया मेरे भाई नेक्स्ट इज कॉल फीडबैक अब इंफॉर्मेशन दे दी इन्फॉर्मेशन देने के बाद जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलेगा मैसेज द रिसीवर का रिएक्ट करना और करना ही, ही तो रिसीवर मतलब कहलाता मेरे लाल कहला क्या उसी को बोलते हैं बेटा फीडबैक उसी को बोलते हैं फीडबैक और आपकी सिलेबस वाले पार्ट में कुछ नया आया और नया ये है कि फीडबैक की टाइप दे दी

और जहाँ फीडबैक वर्ड लगा अगर हमें नोटिस किया हो ध्यान से करना प्लीज फोकस सामने एक बार पैसे दिखाने वाला हूँ ये क्या लिखा है बेटा सामने रट्टा नहीं मार रहा ना ना, ना ना समझ के पढ़ो चीजों समझो फॉरवर्ड फॉरवर्ड मतलब होता है आगे बोलते हैं ना भाई फॉरवर्ड मतलब क्या होता है आगे को बोलते हैं सर दूसरा वर्ड है बैक 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 मतलब पीछे बैक मतलब पीछे पता है सर क्या बात बता रहा हूँ कुछ सिखाना चाह रहा हूँ बेटा तो फीड फॉरवर्ड और फीड बैक का मतलब क्या होता है पहले ये क्लैरिटी ले लो देन यू विल ऑटोमेटिकली नो कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट ओके आओ बात करते हैं तो पहला वर्ड आया बेटा कि वट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड क्या होता है समझते ध्यान से बात को पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड क्या होता है कह रहा है इट मीन्स अफर्मिंग मतलब अफर्म कंफर्म करना बोलते हैं अफर्मिंग कमेंट्स विद रिगार्ड्स टू फ्यूचर बिहेवियर फ्यूचर फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर आज आप किसी की कोई बात कमेंट का मतलब यहां पर क्या को, जिसने कोई इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाई, कोई आपको कुछ बोला आपको रेस्पॉन्ड किया समझना आपने बोला फीडबैक का पार्ट कौन सा प्लीज ये वाला कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसका ध्यान सुनना बात को पहला वर्ड

थैंक यू गॉड ब्लेस यू दैट इज फीड कौन सा पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड फीडबैक मिलने के बाद सुनना क्या बोल रहा हूं फीडबैक मिलने के बाद जो पॉजिटिव अफॉर्मेशन मेरी तरफ से आपको मिली दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड पहली बात क्लियर है नंबर टू नेगेटिव फीड फॉरवर्ड क्या होता है करेक्टिंग कमेंट्स करेक्टिंग मतलब होता है सही करना यहां कहता है अफर्मिंग एंड करेक्टिंग अफर्म मतलब फिक्स करना कंफर्म कर देना करेक्ट मतलब होता है ठीक करना ठीक करना तो बोला क्या भैया सिंपल सी बात इंक्लूड करेक्टिंग कमेंट्स विद रिगार्ड टू फ्यूचर बिहेवियर हो सकता है किसी पर्सन ने कभी आपको जब आपने कोई इंफॉर्मेशन दी उसने आपको उल्टा बोला तो आप जब उल्टा बोला तो उसे ठीक नहीं करोगे भैया रुक रुक जा रुप जा, रुप जा, रुप जा गलत कर रहा है गलत कर रहा है तो दैट गलती को ठीक करना इज कॉल्ड नेगेटिव फीड फॉरवर्ड गलती को ठीक करना इज कॉल्ड नेगेटिव फीड फीफोर्ड एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके डाउट्स आते हैं ना तो मैक्सिमम टाइम पे डाउट अच्छे होते है ना पहले वो डाउट तुम ना लगा डाउट मुझे मैक्सिमम डाउट भेजते ही नहीं है समझ रहे हो ठीक है पता नहीं दिक्कत आती नहीं क्या मैं पूछना पड़ता है भैया डाउट है तो बता दे कह रहे नहीं तो डाउट नहीं आ रहा बताओ ये हाल है आज के टाइम में जनाब तो मुझे बताना मुझे नेगेटिव फीड फॉरवर्ड किसे कहा गया अब प्रैक्टिकली जब डाउट्स आते हैं तो कुछ डाउट ऐसे होते हैं जहाँ पर सामने बच्चे को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही होती है खुद के अंदर ही उसने वर्ड या तो नेगेटिव कहीं और से पढ़ लिया है ना और बोला अच्छा कंटेंट घुसाने की आदत होती है तो वहां पर करेक्ट करता हूं बेटा ये ऐसा नहीं इसका मतलब ये होता है बोलता ना भेजता हूँ तो मैंने करेक्ट कर दिया आपके फीडबैक वाले पार्ट को तो करेक्ट करना इज नेगेटिव फीड फॉरवर्ड अफर्मेशन देना आपकी बात को सही ठहराना इज कॉल पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड बोलो याद रहेगा बोलो क्लियर है अफर्मिंग एंड करेक्टिंग दो डिफरेंट वर्ड्स वर्ड ये किस लिए बोला बेटा फॉर फ्यूचर के लिए बोल रहा हूं फ्यूचर मतलब क्या होता है भाई फीडबैक आने के बाद फीडबैक आने के बाद

सर ए पास मतलब यहां बात कर रहा है जब मैंने तुम्हें सेंडर तुम्हें एज़ सेंडर इंफॉर्मेशन दी थी मैंने कोई आइडिया तुम्हें शेयर किया था उसके ऊपर अगर तुम कोई रिएक्ट करते हो तो सेंडर का रिएक्शन सेंडर का रिएक्शन पॉजिटिव में आया उसे बोलते हैं अफर्मेशन दैट इज अफर्मेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक सेंडर का रिएक्शन तुम्हारा रिएक्शन अगर मेरी कोई गलती अगर तो तो मैंने कुछ बोला तुमने मुझे ठीक कर दिया सर वर्ड में नहीं एनजी आएगा तो जब मैंने इन्फॉर्मेशन दी तुमने मुझे कर, करे नहीं ठीक करो सर दैट इज क्या बोलोगे उसे बोलते हैं बेटा नेगेटिव फीडबैक तो क्लैरिटी मिली मैं इस बात को और क्लियर करता हूं समझना एटमिट एल्यू देखो ध्यान दिखाता हूं चार वर्ड थे चारों को यहां से क्लियर करता हूं देखो समझना सेंडर ने रिसीवर तक इंफॉर्मेशन दी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद इंफॉर्मेशन मिलने के बाद रिसीवर ने जो मुझे फीडबैक दिया वो फीडबैक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है तो ये आई नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक की बात है कब के और जब उसे फीडबैक मिलने के बाद समझना फीडबैक दिया तो फीडबैक मिलने फीडबैक दिया ये फीडबैक दिया उसने मेरे पास्ट के बेस पर जो पास्ट में मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की उसके बेस पर मिला इसे बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक पॉजिटिव मतलब अगर मैं उ, आप मुझे पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हो पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव मुझे कुछ करेक्ट कर रहे हो कि सर आपने गलती यहां की थी नेगेटिव फीडबैक फीड फॉरवर्ड किसे बोलते हैं तुम्हारा फीडबैक मिलने के बाद मैं तुम्हारा फीडबैक मिलने के बाद मैं तुम्हें रिएक्ट कर रहा हूं अब मैं रिएक्ट कर रहा हूं रिएक्ट अगर मैंने अफर्मेशन में किया तो बोलेंगे पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड अगर रिएक्ट मैंने अगर आपके पास में आपको करेक्ट कि याद रहेगा तो ये चार चीजें थी बेटा आपके पास फीडबैक के चार पार्ट हैं और ये यहां पे खत्म हो जाता है बोलो क्लैरिटी मिली बोलो 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 क्लैरिटी मिली तो ये पार्ट यहां तक इसको अच्छे से रेडी कर लेना ऑलमोस्ट रेडी है क्लास में हो चुका होगा ठीक है फिर भी कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे का रहेगा तो वो पक्का पूछेगा अभी तो बाकी कुछ पार्ट इसमें और बचा हुआ यहाँ पे हम नई नई चीजें पढ़ने वाले हैं तो सीन द नेक्स्ट क्लास गाइज तब तक के लिए गाना बाए बाए और जाओ बाय बाय और टाटा सी यू अगेन कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन बाय बेटा बाय टेक केयर हेलो बच्चों कैसे हैं आप

जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कंट्रोल्स आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कंट्रोल्स बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए मेरे बच्चों कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करोल मिश्रा हेलो मै नाम राहुल मैं संतोष सर की टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ आपको